प्रभु, आपने ये वरदान देकर संसार का सारा धन दे दिया है मुझे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए महादेव, मुझे मेरे शिव मिल गए, अमृत मिल गया मुझे। सृष्टि का विधान कितना विशाल, कितना विराट है, और कितना तुच्छ हूं मैं, फिर भी मेरे भीतर अहंकार समा गया था। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस क्षण को कभी ना भूलूं और अहंकार के जाल में फिर कभी ना फंसूं। बाबा, मैं क्षमा चाहती हूँ, आप अभी इसे खा लीजिए, मैं कुछ ही समय में पौष्टिक भोजन का प्रबंध कर दूंगी। आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, जब तक तू मुझे मनचाहा भोजन लाकर नहीं देगी, मैं अन्न तो क्या जल की एक भी बूंद नहीं पीऊंगा। और यदि बिना अन्न और जल के मुझे कुछ हो गया, तुम मेरी हत्या का दोष तुझ पर, तेरे परिवार पर लगेगा। स्मरण रहे, जा यहां से। प्रभु, गुरु दत्तात्रेय ने विंता माँ के सामने ऐसी अनोखी मांग क्यों रखी? विंता माँ तो खुद दासी है, वैसे पौष्टिक भोजन कहां से प्रबद्ध करेंगी? और इस समय तो गुरु भी उनके सहायता के लिए वहां नहीं है। दत्तात्रेय उस कुम्हार की तरह है जो मिट्टी के घड़े को सर्वोत्तम बनाने के लिए भीतर से अपना हाथ तो लगाता है पर बाहर से उस पर चोट भी मारता है। उनकी इस परीक्षा के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। क्षमा कर दीजिए प्रभु, अहंकार में आकर उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने मुझे समुद्र मंथन जैसे शुभ कार्य के लिए चुना, किंतु मैं अहंकारी हो गया और आपकी भक्ति के मार्ग से भटक गया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि हम भूल से शिक्षा ले लें तो वो भूल नहीं रहती, वरदान बन जाती है गर्व। प्रभु, आपकी सेवा का एक और अवसर दे दीजिए मुझे। अवसर आपदा से उत्पन्न होता है और इस समय देवता और दानव दोनों ही एक अनोखी आपदा में फंस गए। कैसी आपदा प्रभु? हर बार आपकी इच्छा का सम्मान करना हमारे लिए संभव नहीं है असुरराज। हम असुरों के लिए भी ये संभव नहीं है कि हम देवताओं की हर इच्छा को सहर्ष स्वीकार कर ले।
आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं महाराज बलि? हम दोनों दलों में से कोई एक दल ही वासुकी को उसके मुख की ओर से खींच सकता है और दूसरे दल को उसकी पूछ की ओर जाना ही होगा। और ये अपेक्षा हमसे क्यों देवराज इंद्र? ये तो तर्क शक्ति पे तय होना चाहिए कि कौन सा दल वासुकी के मुंह की ओर होगा और कौन सा दल उसकी पूछ की ओर। तो फिर यही सही। यदि तर्क की बात करें तो हमारी माँ अदिति आयु में और पद में दोनों में आपकी माँ दिति से बड़ी हैं। इसलिए चुनाव का पहला अधिकार हम देवताओं का ही होना चाहिए। क्षमा करें महाराज, पर ये देवता भूल रहे हैं कि हम असुर इन्हें युद्ध में पराजित कर चुके हैं अनेक बार, और पराजितों को ना तो चुनाव का अधिकार होता है और ना ही अपनी इच्छा व्यक्त करने का। इसलिए देवराज इंद्र स्वर्ग के अधिपति होने के नाते इस चुनाव का अधिकार यदि किसी को है तो वो है केवल और केवल असुर सम्राट बलि को। तुम्हें क्या लगता है गरुड़, किसे वासुकी के मुंह की ओर होना चाहिए और किसे पूंछ की ओर? प्रभु, मैं अधिक तो नहीं जानता, परंतु जितना मैंने देखा है समझा है, मुझे यही लगता है कि जो भी वासुकी भैया के मुंह की ओर होगा उसे दो गुनी समस्या का सामना करना होगा, दो गुना श्रम करना होगा। एक तो पहले से ही वासुकी भैया को खींचना बहुत ही कठिन है और ऊपर से उनके मुंह से विषैली फुकारें निकलेगी। असुर पूजा पाठ तपस्या अनुष्ठान अवश्य करते हैं, परंतु केवल अपने स्वार्थ के लिए, और देव स्वयं के साथ साथ समाज कल्याण का भी विचार करते हैं। इसीलिए न्याय तो यही होगा प्रभु, जो अच्छाई के साथ हो उनके साथ अच्छा हो और जो बुराई का समर्थन करे उनके साथ बुरा। मैं तुमसे सहमत हूं गरु, अब देवता और दानवों के साथ भी ऐसा ही हो, इसका दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। आज्ञा दीजिए प्रभु। वासुकी भैया की तपस्या सफल हुई माँ, और उनके कारण आपको महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तो और, आपकी वजह से अब हमें अमृत मिलेगा माँ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये किसने कहा? कौन बोला? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें भी सुनाई दिया ना ये स्वर? कौन सा स्वर माँ? यही कि हमें अमृत नहीं मिलेगा। हमने तो कुछ नहीं सुना माँ। तो मुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तेरा मन जानता है यही सत्य है, क्योंकि तेरा मन जानता है यही सत्य है, क्योंकि तेरा मन जानता है यही सही है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये उस पुट्ठे का स्वर है, किंतु ये कैसे संभव है? आप उस बुड्ढे को अधिक महत्व दे रही हैं माँ। है ही कौन वो? एक साधारण सा भिखारी और कुछ नहीं। हाँ माँ, वो बुड्ढा तो चल फिर भी नहीं सकता, जल और अन्न के लिए तो एक दासी पे निर्भर है। उसे क्या पता कि अमृत क्या है और किसे मिलेगा।
माँ, तक्षक और कालिया भैया को कैसे बताऊं कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैं भी वही सोच रहा था तब, तो वो तो दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय, वो जो कहते हैं वो अवश्य सत्य होगा। बाबा के लिए पौष्टिक भोजन का प्रबंध कैसे करूं मैं? सत्य कहा तुम दोनों ने, मैं व्यर्थ उस पुट्ठी के बारे में सोच रही हूं। जानते हो तुम दोनों, जब वासुकी ने उस गरुड़ को अपने पास में जकड़ा था तब मेरा हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। मैं इतनी प्रसन्न तो तब भी नहीं हुई थी जब मैंने उस विंदा को अपनी दासी बनाया था और वो स्वामिनी कहकर मेरे पाँव में गिर गई थी। दया कीजिए महारानी, कृपा कीजिए, यदि आज आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरे कुटुंब पर जीव हत्या का दोष लग जाएगा। किसी की भी दृष्टि में अब मेरा कोई मूल्य नहीं है। कल की असफलता के बाद ना ही देवता मेरी बात मानेंगे और ना ही दानव, तो फिर प्रभु विष्णु का दिया कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा? भूख भी तीव्र लग रही है। यदि स्वयं प्रभु विष्णु मेरे स्थान पर होते तो वो क्या करते? अब सही दिशा में सोच रहे हो तुम। प्रभु आप, तुम मुझे ध्यान कर रहे थे इसीलिए मैं आ गया। बताओ, यदि तुम्हारे स्थान में मैं होता तो मैं क्या करता? प्रभु, असुरों को समझाना बहुत ही कठिन है। उन्हें जो भी सुझाव दिया जाता है वो उसके विपरीत ही कार्य करते हैं। देखो, तुमने मेरी तरह सोचना आरंभ ही किया और इतनी ही शीघ्र समाधान भी खोज निकाला, तो बस अब उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा कर दो। उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा, अब बताएगी भी बात क्या है? बाबा को पौष्टिक आहार चाहिए महारानी। वो मार्ग का भिखारी हमारे सामने मांगे रखने लगा और आप उसकी मांगे दोहराती हुई यहां चली आई। तो अब क्या चाहती है तू? कि मेरे पुत्र उस बुड्ढे के लिए सामग्री इकट्ठा करे और मैं अपने हाथों से उसके लिए भोजन बनाऊं, और तू महारानियों की तरह उसके सामने भोजन परोस कर स्वयं पूरा आशीर्वाद ले ले। तुझे क्या लगता है? मैं ये करूंगी? कभी नहीं। आपको करना पड़ेगा महारानी, आपको करना पड़ेगा महारानी, आपको करना पड़ेगा महारानी। ना तो ये युद्ध स्थल है और ना ही यहाँ पर कोई विजेता ना ही पराजित। हम सब यहाँ पर एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। असुरराज, देवराज, आप सब शांत हो जाइए। लक्ष्य अवश्य एक है और उसकी प्राप्ति के लिए असुर अपने सम्मान पर ठोकर नहीं लगने देंगे। आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे? वाद विवाद से हम किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे और असुरों के हट के कारण हम देवता अपने सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। हम वासुकी की पूछ नहीं पकड़ेंगे असुरराज।
उन्होंने कहा है यदि आज उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिला तो वो अन्न जल त्याग देंगे, और यदि ऐसा हुआ तो उनका वृद्ध तन ये सहन नहीं कर पाएगा, और सहन नहीं कर पाएगा तो मर जाएगा। ये समस्या मेरी नहीं है विंदा। है महारानी, ये आपकी भी समस्या है। एक दासी की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती महारानी। जिस दिन मैं आपकी दासी बनी उसी दिन से मुझसे मेरा व्यक्तित्व छीन गया। मैं केवल आपकी प्रतिनिधि हूं और कुछ नहीं। जैसे एक दासी का कर्तव्य होता है अपनी स्वामिनी की सेवा करना, उनकी आवश्यकता का ध्यान रखना, वैसे ही एक स्वामिनी का भी तो कर्तव्य होता है ना, अपनी दासी की हर आवश्यकता को पूरा करना, उसकी रक्षा करना। यदि आज आपकी छत्र छाया में मुझ पर जीव हत्या का पाप लग गया ना, तो इस कलंक से आप भी मुक्त नहीं हो पाएंगी। तू मुझे धमकी दे रही है। विनती कर रही हूं, हम सबके ऊपर यह संकट मत आने दीजिए। पहले ही मेरा गरुड़ और आपका वासुकी एक ऐसे कार्य के लिए गए हैं जिसमें कब क्या होगा कोई नहीं जानता। यदि हमारी एक भूल के कारण उन पर कोई आंच आ गई तो आज पहली बार मां के सामने विंता मां को अपनी बात रखते हुए देख रहा हूं। वे सदैव दासी के कर्तव्यों के बारे में बात करती है, परंतु दासी के अधिकारों के बारे में कभी बात नहीं करती। ये दत्तात्रेय के शुभ साथ का प्रभाव है शेष। वो परिस्थितियों को आसान नहीं बनाते बल्कि व्यक्ति को इस योग्य बनाते हैं कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाए। तब तो मुझे लग रहा है प्रभु, जब तक ये मंथन पूरा होगा ये माँ और पुत्र दोनों के ही व्यक्तित्व बहुत बदल चुके होंगे। देवराज असुरराज, आप दोनों का कहना अपने अपने पक्ष की दृष्टि से उचित है, परंतु इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो हमें निकालना ही होगा। प्रभु विष्णु ने इस समस्या का समाधान मुझे दे दिया। क्या समाधान दिया प्रभु ने? प्रभु का सुझाव यही है कि देवताओं को ही वासुकी भैया के मुंह की ओर रहना चाहिए। क्योंकि आयु और कर्म दोनों की दृष्टि से ये श्रेष्ठ है। असंभव है, ये नहीं हो सकता। मुझे ये स्वीकार नहीं। क्षमा कीजिए। परंतु क्यों दीति माँ? दास से तट पितट नहीं करूंगी मैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि विष्णु ने हम असुरों के साथ पक्षपात किया है और हम असुर ये सहन नहीं करेंगे। मेरा निर्णय यह है कि मेरे पुत्र वासुकी की मुंह की ओर ही रहेंगे। और अगर देवताओं को इसमें कोई आपत्ति है तो फिर हम असुर इस मंथन में भाग नहीं लेंगे। कितनी बार मस्तिष्क उसी कार्य को करने के लिए लोभित होता है जिस कार्य के लिए उसे मना किया जाए। जिस दिशा के लिए पहले असुर मना कर रहे थे अब उसी दिशा के लिए लड़ रहे हैं। लोभ में लिया हुआ निर्णय जीव को उसके धर्म से और सही मार्ग से दूर लेकर जाता है। वासुकी के मुख की ओर रहने का लोभ अब असुरों के लिए क्या बदलाव लाता है ये तो नियति ही बताएगी। ये तो समुद्र मंथन का केवल आरंभ है।